The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened. एक बार फिर मनुष्य जाति को परमेश्वर तुरहियों की आवाज के द्वारा चेतावनी देने वाला है। पीड़ाएं आरंभ हो चुकी हैं, प्रलय आरंभ होने वाला है। प्रलय की शुरुआत से पहले एक बार फिर प्रभु परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को सतर्क करेगा। प्रकृति में गूंज रहे चेतावनियों का शब्द आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, अपने आप को नरक की भारी पीड़ा में जाने से बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय मसीह जरूर लिखें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सन 2015 के बाद जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के आधार पर अब कुछ हद तक यह पुस्तक आसानी से समझ में आने लगी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उन दिनों की भाषा शैली में लिखी गई थी, जो भाषा शैली योहन्ना जी के समय में पाई जाती थी, पर आज भाषा और शैली दोनों बदल चुकी है। इस कारण यह पुस्तक आसानी से समझ में नहीं आ पाती। आज के अध्ययन को आसानी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आइए हम वापस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 17 पद को पढ़ें। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा यह पद वचन की गणनाओं के अनुसार सन 2032 से 33 में पूरा होना चाहिए। दोस्तों, इस पुस्तक को और भी आसानी से हम तभी समझ सकते हैं जब कुछ घटनाओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज के इस दिन में प्रलय की शुरुआत को समझना चाहते हैं, तो प्रभु हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा दे, ताकि ये वचन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, छठवीं मोहर खुलेगी, प्रकृति में अचानक एक बड़ा बदलाव होगा। अचानक आए इस बदलाव के कारण पृथ्वीवासी डर जाएंगे, भयंकर हाहाकार मचेगा। दोस्तों, प्रलय की शुरुआत ही मनुष्य को इतना व्यथित कर देगी कि मनुष्य स्वयं को बचाने का उपाय नहीं पाएगा। अचानक मचे कोहराम में निर्बुद्धियों के समान गुफाओं और चट्टानों की दरार में जाकर स्वयं को छिपाने का और बचाने का असंभव प्रयास करेगा। हम इस सीरीज में इन बातों का निरंतर अध्ययन करते जा रहे हैं। आपने पिछले भागों में जाना, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए दूसरी तुरही फूंकी जाएगी, मनुष्य जाति को पीड़ाओं से राहत मिलेगी, पर इन सब के बावजूद भी मनुष्य स्वयं का मन नहीं फिराएगा, वो अपने पापों के साथ ही चलता रहेगा, वरन इस बार और भी बड़े बड़े पाप करेगा, मसीहियों को भयंकर तड़पाएगा। वचनों की गणनाओं के अनुसार मसीही सताओं का यह भयंकर समय सन 2029 से प्रारंभ हो जाना चाहिए। अपने लोगों को पीड़ाओं और कराहों से नजात देने के लिए प्रभु परमेश्वर संभवतः सन 2034 में तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज़ सुनाएगा। जल द्वारा आई भयंकर महामारी से बहुतेरे मनुष्य उन दिनों मृत्यु का शिकार बनेंगे। भयंकर दर्द और कराह का दौर चल रहा होगा। प्रलय की शुरुआत में ही मनुष्य परमेश्वर के आने वाले प्रकोप का परिचय प्राप्त करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 1-3 पद में लिखे वचन के अनुसार उन दिनों बादलों में 4 स्वर्गदूत और नजर आएंगे, जो और भी भयंकर पीड़ाओं को उंडेलने वाले होंगे, पर परमेश्वर मनुष्य को एक और अवसर देगा। एक विशेष 5वां स्वर्गदूत आएगा, जो पीड़ाएं उंडेलने वाले चारों स्वर्गदूतों को कुछ पलों के लिए रोक देगा। दोस्तों, उन दिनों पीड़ाएं उंडेलने वाले इन 4 स्वर्गदूतों को कुछ पलों के लिए इसलिए रोका जाएगा ताकि मनुष्य परमेश्वर की शांति को महसूस करके स्वयं को अपने गंदे कामों और भयंकर पापों से बाहर निकाल सके। सन 2036 में वचनानुसार 7वीं मोहर खुलना चाहिए। यह मोहर शांति प्रदान करने वाली होगी। यह मोहर खुलने के बाद संभवतः 20 वर्ष 10 माह पृथ्वी पर शांति रहेगी। इस समय का भेद हम इस अध्याय के पहले वीडियो प्रकाशन नंबर 91 में जान चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन दिनों
परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा पर अपनी छाप लगाएगा। जगत को स्वर्गीय दर्शन दिखलाकर प्रभु अपनी करुणा और दया और बलिदान का स्मरण कराएगा। ये हमारा कंप्यूटर सेट है जिसमें हम संदेश तैयार करके आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा ग्रीन स्क्रीन है जहां से हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। ये वो लाइट्स हैं जिन लाइट्सों का हम वीडियोस बनाने में उपयोग करते हैं। ये वो रूम है जिस रूम में हम इन वीडियोस को तैयार करके आप सबों तक पहुंचाते हैं। ये हमारे कैमरे का स्टैंड है जिस स्टैंड पे हम मोबाइल फंसाकर वीडियोस तैयार करते हैं। ये हमारा मोबाइल सेट है जिस मोबाइल सेट से हम वीडियो बनाते हैं। मैं अमित कुमार अग्रवाल, द रेवलेशन ऑफ एंड डेज चैनल, आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं अत्यंत आनंदित हूँ आप सबों के प्रेम प्रोत्साहन। आज हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन के 100 पायदान पूरे कर लिए। आज का यह वीडियो हमारी इस पुस्तक के अध्ययन का 100वां एपिसोड है। हम आने वाले दिनों में इस पुस्तक का अध्ययन और भी प्रभावशाली रूप से आप सबों तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यह हमारा आप सबों से वायदा है। आज के 100वें एपिसोड में हमने आपको अपना सेट दिखाया, इसी सेट से वीडियो बनाकर हम आप सबों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में धार्मिक चैनल बहुत ही धीमी गति से विस्तार करने पाते हैं, जबकि अन्य तरह के चैनल तेज गति से विस्तार करते हैं। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि मैं अन्य प्रकार के चैनल बनाकर तेज गति से कार्य करूं, पर हर बार प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, अपने जीवन के उद्देश्य से हमें भटकना नहीं है। अंततः पवित्र आत्मा की सिखाए सीख कर मैं आप सबों तक वीडियोस पहुंचाता रहा। आज हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको अपना सेट इसलिए दिखाया ताकि मैं आप सबों को अपनी वास्तविकता दिखा सकूं। मैं प्रभु का कार्य प्रभावशाली रूप से करना चाहता हूं, जिसके लिए अच्छे सेट की आवश्यकता है। यह सब तभी तैयार हो सकता है जब हमें आपका सहयोग प्राप्त हो। दोस्तों, मैं एक पासवान हूं, मेरी जीविका आप सबों के सहयोग से ही चल पाती है। कृपया मुझे अपना और सहयोग दें ताकि हमारा यह चैनल और भी फैल सके, हम अच्छा सेट तैयार कर सके, प्रभु के वचनों का प्रचार खराई और तेजी के साथ कर सके। कृपया वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम में बहुत सी कमजोरियां होंगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे प्रोत्साहन के लिए जय मसीह अवश्य लिखें। प्रभु आप में से प्रत्येक को, हर एक सुनने वालों को अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है, अब आगे परमेश्वर द्वारा प्रलय का दृश्य प्रकृति में नजर आने वाला है। प्रलय की शुरुआत होने वाली है, अभी भी अवसर है। हम इन पीड़ाओं के दौर में ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बलिदान को स्वीकार करें, उसकी करुणा को महसूस करें, स्वयं को गंदे कार्य वातावरण और पापों से बाहर निकालें। आज का अध्ययन हमें बताता है, परमेश्वर हम मनुष्यों से बेहद प्रेम करता है। वह चाहता है हम मनुष्य शैतान के भरम जाल से बाहर आ जाएं, स्वयं को नरक की आग में जाने से बचा लें। इसीलिए प्रभु उन दिनों पीड़ाएं उड़ेलने वाले चारों स्वर्गदूतों को कुछ पलों के लिए रोककर मनुष्यों को शांति प्रदान करेगा। पर स्मरण रखें, परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाना, समय सीमित है। स्वयं को बचाने के प्रयास में हमें आज से ही जुड़ जाना है। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद योएल की पुस्तक उसके 3:16 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यहोवा सियोन से गर्जेगा और यरूशलेम में बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।